हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीएफएन। और आप लोग सोच रहे होंगे आज कि आज मैं अपने इस किचन में क्या कर रहा हूँ। आपको तो मैंने बोला था कि आज बीबीए बेसिक बताने वाला हूँ, लेकिन किचन में ऐसा क्या है? तो आप सरप्राइज रहोगे कि इस तरह के एग्जांपल से आप अच्छी तरह समझ पाओगे कि जो चीज हम आज बताने वाले हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है और उसको समझना क्यों जरूरी है, और उसको अगर समझना है तो कैसे हम समझेंगे। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, तो चलिए सर, तो आज हम बात करने वाले हैं डाटा टाइप का। मैं अभी वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डाटा टाइप की बात कर रहा हूं कि आप कैसे जानोगे कि कौन सा डाटा टाइप किस काम के लिए यूज होगा। तो चलिए आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज दैट मान लो कि ये हमारे पास दो आलू है, राइट। अब इस दो आलू को हमें कहीं रखना है, तो अगर ये आलू है तो ये हमारे लिए क्या हुआ? एक सामान हुआ, और सामान को हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट टाइप। तो ये क्या टाइप हो गया, इसका टाइप क्या हुआ, यानी जिसके साथ हम कुछ करना चाहते हैं वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो। अगर हमें इसे कहीं पर रखना है, मान लीजिए कि हमें इसमें रखना है, तो ये क्या हो गया, हमारा कंटेनर है। तो कंटेनर हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को रखने के लिए जो जगह की जरूरत है उसको हम कंटेनर बोलेंगे। कंटेनर तो बोलेंगे, लेकिन ये किस टाइप का कंटेनर होना चाहिए? चलिए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक गिलास पानी ले लेते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक कंटेनर के अंदर हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो हमने पानी रखा है, राइट, और ये एक आलू है जो हमने अपने हाथ में रखा है। तो दो ऑब्जेक्ट है, एक आलू हमारा ऑब्जेक्ट हुआ और एक दूसरा पानी जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। अब एक चीज और समझ, अब मान लीजिए कि इसको, इस पानी को मुझे कहीं रखना है, तो इसको किस तरह के बर्तन में रख सकते हैं, यानी किस तरह के कंटेनर में रख सकते हैं जिसमें पानी रुक सके। क्या हम इसमें हम पानी को रख सकते हैं? ये जाली नुमा हमारा कंटेनर है, इसमें क्या पानी को रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। जब इसमें हम पानी को रखेंगे तो ये सारा पानी नीचे गिर जाएगा। लेकिन उसी केस में आप देखिए, जब हमको पानी को रखना है तो हम कहाँ रखें? एक ऐसे बर्तन में रखे हैं जहां से पानी नहीं गिरे। तो ये क्या हो गया, हमें ये देखना है कि किस कंटेनर में कौन सा सामान रखा जा सकता है, इसलिए देखिए। लेकिन चलिए पानी के केस में क्या हुआ कि ये केवल किस में जा रहा है, जिससे पानी नहीं गिरे। लेकिन सपोज दैट मान लो कि हमारे पास ये जाली नुमा है और ये एक दो बर्तन है, राइट। अब इसमें जो है दो बर्तन है हमारे पास, इसमें हम आलू को रख रहे हैं, तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हम यहां भी रख पा रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को हम चाहे तो यहां भी रख सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी बर्तन का आप यूज कर सकते हैं। अब कभी कभी ये होता है कि आपने सामान लिया, सपोज दैट मान लो कि हमने इसमें कुछ पानी लिया, ये तो एक डाटा टाइप हो गया जो हमने बताया कि यह ऑब्जेक्ट हो गया या कंटेनर हो गया। कंटेनर में क्या क्या चीज आते हैं वो हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लीजिए। अब ये देखिए इसमें पानी है, इसकी कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है पानी रखने की, तो इसमें हम पानी रखेंगे तो पानी गिरेगा नहीं। लेकिन इस गिलास में अगर इस पूरे पानी को डालना है तो क्या होगा, पानी गिरना शुरू हो जाएगा। अगर इस पूरे गिलास को यहाँ को भरना शुरू कर दे तो क्या हुआ, ओवरफ्लो होकर गिर गया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, जो हम डाटा टाइप ले रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इसके बारे में आपको जानना। अब आपके मन में सवाल होगा कि इतना सारा कुछ आपने बताया, इसका मतलब क्या है? तो समझिए मैंने क्या क्या बोला है। आप पहले बोला है कि ऑब्जेक्ट, जिसके साथ आप काम करते हो वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, और जिसके साथ सपोर्टिंग जो सहायक होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाकी कंटेनर बोलते हैं। स्टोर करने की वैल्यू को हम कंटेनर बोलते हैं, जिसको आप बोलते हो ना इंटीगर, लॉन्ग, स्ट्रिंग, बुलेन, वेरिएंट, लाइक दिस। और दूसरा मैंने बोला कि ये गिलास में, अगर गिलास से ज्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा, गिलास का पानी गिरना शुरू हो जाएगा, राइट। तो यह होता है कि डाटा टाइप की कैपेसिटी को दिखाता है कि एक डाटा टाइप में कितने क्या कितना कैपेसिटी है, जिसके बारे में हम आपको स्क्रीन पे बताएंगे। आपने देखा होगा कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं। होता क्या है कि जब आप काम स्टार्टिंग में काम करना शुरू करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये है क्या, ये ऑब्जेक्ट है कि इंटीगर है कि लॉन्ग है कि बुलेन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं करते हैं। लेकिन वेरिएबल को डिफाइन करना है अगर जरूरी है, तो उसको हम कैसे सीखेंगे,
जिससे कि आसानी से वेरिएबल डिफाइन करना या डिक्लेयर करना हमें आ जाए। तो उसके लिए अब हम चलेंगे अपने कंप्यूटर पे, जहां पे हम आपको वन बाय वन करके सारे चीज के बारे में बताएंगे कि ओवरफ्लो क्यों होता है, उसकी कैपेसिटी आप कैसे जान सकते हो और उसका यूज कैसे कर सकते हो, किस ऑब्जेक्ट के लिए आप कौन से डाटा टाइप का यूज करोगे। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, जहां पे हम देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे कि हमने कुछ डाटा टाइप पहले से लिख रखा है। इसे थोड़ा बड़ा कर दूं। अब इसमें क्या है, जो देखिए मैं आज इतना ही बता रहा हूं जो ज्यादा काम में आता है और इम्पोर्टेंट। इसमें बहुत सारे डाटा टाइप आते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स टाइप आते हैं, लेकिन उसके सार सभी के बारे में एक बार बताना मुश्किल है। हम इसे क्या करेंगे, एक एक करके बताएंगे। जैसे देखिए, एक बाइट है, इंटीगर है, लॉन्ग है, डबल है, वेरिएंट है, बुलेन है, ऑब्जेक्ट। अब बाइट का काम क्या होता है कि अगर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमने कहा ना कि हमने किसी बर्तन को बताया, आपको एग्जांपल में मैंने अभी बताया कि अगर पानी को मुझे रखना है तो हम किस में रख सकते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह बाइट क्या करता है, बाइट में केवल आप नंबर को ही स्टोर कर सकते हो। उसी तरह इंटीगर, ये भी केवल नंबर को स्टोर कर सकते हो। स्टोर का मतलब क्या है, जो हमने आपको एग्जांपल में उस समय बताया है कि हम किसी सामान को रख के यहां से लेकर कहीं जा सकते हैं, राइट। और उसी तरह डबल, डबल भी जो है वो भी नंबर के लिए ही है, जबकि डबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या है कि नंबर जो है ना डिसमिल में लेता है, अगर आपकी वैल्यू जो रिजल्ट है वो डिसमिल में है तो वो डिसमिल में एग्जैक्ट करेगा, जबकि लॉन्ग, इंटीगर और बाइट ये डिसमिल के पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब एक होता है वेरिएंट। अब वेरिएंट में क्या है कि नंबर भी है और स्ट्रिंग भी है। अब यहाँ पे बुलेन है, बुलेन क्या काम करता है, ट्रू और फॉल्स बताता है। ट्रू और फॉल्स कैसे बताएगा, जैसे मान लो कि आप दो दोस्त बात कर रहे हो, वहां पे एक तीसरा बंदा सुन रहा है चुपचाप। अब उसके बाद आपके दूसरे दोस्त ने एक तीसरे बंदे से कुछ बोला, तो वो आपसे पूछ सकता है कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, क्योंकि आप वहां पे खड़ा होके देख रहे थे कि कौन क्या बोल रहा है। तो आप वहां पे बोल सकते हो कि नहीं वो सही बोल रहा है, नहीं वो गलत बोल रहा है, इससे ज्यादा आपका काम नहीं है। तो बुलियन जिसको अगर बनाते हैं तो उसका बस इतना ही काम होता है, ट्रू और फॉल्स का, इससे ज्यादा का नहीं। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिफरेंस लेना। रिफरेंस का मतलब कि आप कहीं जाते हो किसी से मिलने, तो आप बोलते हो ना कि अरे फलाना आदमी ने मेरे को बोला है आपसे मिलने के लिए, तो आपने रिफरेंस किसका लिया, फलाना आदमी का। अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताता हूँ कि जैसे ऑब्जेक्ट में क्या मानेंगे, अगर आपको ईमेल भेजना है तो किसके सपोर्ट से भेजेंगे, तो आप आउटलुक के सपोर्ट से भेजेंगे। अगर इसमें एक रेंज आपको पूरा बनाना है और इस हर एक रेंज के सेल से डाटा को लेना है, तो यहाँ पे रिफरेंस आप किसको बनाएंगे, इस रेंज को बनाएंगे रिफरेंस। तो ये क्या हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट हो गए हमारे। अब हम चलते हैं कि थोड़ी कैपेसिटी की बात कर ले। जैसे कि हमने कहा था कि जब पानी बड़े गिलास से छोटे गिलास में पानी जब डालेंगे तो क्या होगा, पानी ओवरफ्लो होकर गिरने लगेगा। जैसे यहाँ पे बाइट जो है ना छोटा होता है, ये आपके मेमोरी का, रैम के मेमोरी का, सॉरी नहीं आपका नहीं, आपके कंप्यूटर के मेमोरी का रैम जो है वो एक बाइट इंगेज कर देता है। अगर आप एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक वेरिएबल बना लिया, जैसे कि हम VBA में चलते हैं, तो चलिए VBA में चलने से पहले हम आपको ये बता दें कि हम जानना चाहते हैं आप लोगों में से कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी भी टाइप का वेरिएबल बिना कॉपी पेस्ट किए हुए खुद से डिक्लेयर कर लेते हैं। जो लास्ट में जो मैं बताने वाला हूं, कैसे आप डाटा टाइप को पहचानेंगे कि किस वेरिएबल के लिए कौन सा डाटा टाइप हमें देना है, यानी उसके लिए क्या डिक्लेयर करना है, तो ये हम आगे चल के बताएंगे। तो अभी प्लीज अभी ही कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे भी पता चले जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे क्या आप लोगों को कोई बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब इतना तो आप जान गए कि बाइट्स में नंबर होगा, इंटीगर होगा, डबल होगा, वेरिएंट है, बुलियन है, लेकिन कौन सा काम करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा और उसके लिए क्या डाटा टाइप आपको या वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ये आप कैसे जानेंगे। उससे पहले वो हम आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। बट उससे पहले, यानी लास्ट में नहीं, मैं कहीं भी कभी भी बता सकता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं VBA में। तो VBA में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डेवलपर टैब पे जाएंगे और यहाँ पे विजुअल बेसिक दिखेगा। और अगर यहाँ पे डेवलपर टैब नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन बटन आपको दिखेगा। अगर ऑप्शन बटन नहीं दिख रहा है तो मोर दिखेगा, मोर पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, कस्टमाइज्ड इवन में जाना है और यहाँ पे डेवलपर टैब को जस्ट चेक कर देना है।
चेक करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे डेवलपर टैब आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे और आप अपने वीवी एडिटर में आ जाएंगे। एक शॉर्टकट की भी है जहाँ पे अल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो भी आप वीवी एडिटर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम करते हैं इंसर्ट मॉड्यूल। अब इंसर्ट मॉड्यूल करने से पहले आप लोग नोटिस करेंगे कि जब हम प्रोग्रामिंग करते थे तो यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिट नहीं दिखता था, लेकिन आज जब हमने इंसर्ट किया तो ये दिखना शुरू कर दिया। ये ऑप्शन एक्सप्लिसिट है क्या? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वेरिएबल डिफाइन करने के लिए ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पे भी कुछ बनाने के लिए, यानी इस चीज को समझाने के लिए हमें पूरा एक वीडियो बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज यहाँ पे एक लाइन का ये लिखा हुआ है तो इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस है, और ये क्यों इम्पोर्टेंस है ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं वेरिएबल डिफाइन करते हैं। बस इतना जरूर जान लीजिए कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट अगर ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी कोड में अगर आप कोई वेरिएबल आप डालते हैं, यानी कोई कंटेनर डालते हैं जिसमें कि कोई स्टोर करना है किसी चीज को, तो उसके पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। अब सपोज दैट मान लो कि हमें इस एक्सेल का लास्ट रो निकालना है, यानी इसके लास्ट रो में जाना है। तो अगर लास्ट रो में जाना है तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू क्या निकलेगा, उसका आउटपुट क्या निकलेगा। अगर हम अगर एक्सेल जानते हैं थोड़ा बहुत, केवल एक्सेल, तो अगर मैं कहूँ कि इसका ए कॉलम का लास्ट रो कौन सा है, जो सबसे नीचे वाला रो का रो कौन सा है, तो रो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ना कि नीचे वाला रो जो है वो 3 नंबर है। तो आपने बोला क्या? 3 नंबर। नंबर याद रखिएगा, मतलब इसके लिए डाटा टाइप किस टाइप का हो सकता है? बाइट हो सकता है, इंटीगर हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, डबल हो सकता है, वेरिएंट हो सकता है, यानी इसमें से कोई भी आप ले सकते हैं। अच्छा, हमने इसमें एक चीज छोड़ दिया है, स्ट्रिंग को लिया ही नहीं जो टेक्स्ट के लिए होता है। ओके, तो ये 3 नंबर है। तो यहाँ तो हमें इजिली पता चल गया कि ये 3 नंबर है, मतलब हमें बाइट लेना है, इंटीगर लेना है, लॉन्ग लेना है, डबल लेना है, वेरिएंट लेना है। लेकिन अब अगर हम कहें कि इसमें से कौन सा लेना चाहिए, कोई भी ले लेंगे काम चलेगा, लेकिन मैंने क्या कहा, लेना चाहिए, मतलब परफेक्ट कौन सा होगा। तो देखिए, अब ये बाइट जो है कितना कैरेक्टर ले रहा है, 255, सॉरी कैरेक्टर नहीं, वैल्यू, नंबर वैल्यू, यानी ये 255 तक स्टोर करेगा। सपोज दैट मान लीजिए कि हम गए अपने वीवी एडिटर में, यहाँ पे करते हैं सब डाटा टाइप एग्जाम्पल, यहाँ पे हम करते हैं डीम नंबर एज ए 5। अब नंबर इक्वल टू 255 कर देते हैं और करते हैं मैसेज बॉक्स, चाहे नंबर इक्वल टू, हमने एक वेरिएबल स्टोर कर लिया इसमें। अच्छा, ये देखिए, ये वेरिएबल जो होता है ना, इस नाम को आप कुछ भी दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ABCD XYZ अबला 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 कुछ भी बना सकते हो, बट उसके कुछ स्पेशल कैरेक्टर है वो नहीं होने चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए कि जैसे सेमी कॉलन कोलन कॉमा आपके वेरिएबल में नहीं होने चाहिए, बाकी कुछ भी आप लिख के इसको वेरिएबल बना सकते हो। जैसे मान लो कि हमने ये बनाया तो ये काम करेगा, ये हमारा वेरिएबल हो गया। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये लास्ट रो क्या है, ये नंबर कॉल नंबर क्या है, तो वो जस्ट एक वेरिएबल है, वो चीज आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इस कोड को रन करते हैं, तो अगर हम रन किए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया, लेकिन जैसे ही हम इसे अगर 56 कर दें तो क्या होगा? अगर हम इसे रन करें तो आप देखेंगे एरर आ गया। क्या बोला? ओवरफ्लो। तो मैंने क्या बोला था कि जब किसी छोटे सामान में ज्यादा सामान रख देंगे तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगा, और ये कंप्यूटर है, ये अब गिरेगा कहाँ? तो ये एक तरह से गिर ही गया ना, एरर आया तो ये बंद होने के लिए कह रहा है, इंड होने के लिए बोल रहा है, तो इंड हो गया। तो यहाँ पे भी वही सेम चलता है। अब इसी में इंटीगर है, तो अगर मुझे 255 कैरेक्टर से ज्यादा का वैल्यू लेना है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका डाटा कितने नंबर तक हो सकता है। अब जैसे इस केस में सीट में हमें लास्ट रो लेना है, इसका लास्ट रो निकालना है, तो लास्ट रो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 10 लाख भी हो सकता है, राइट? डाटा अगर यहाँ तक आपके पास हो गया तो इसका लास्ट रो क्या हो जाएगा, 10,48,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता नहीं है कि इसमें कितना जाएगा, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम लेते हैं। तो मैक्सिमम के लिए हमने क्या बोला था कि लॉन्ग आप लेंगे, लॉन्ग लगभग करोड़ों तक जाता है। इसका एग्जैक्ट कैपेसिटी अगर जानना है तो आप कहाँ से जानेंगे, वो तो भी जान लीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट के, उसका एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे learn.microsoft.com पे जाएंगे, वहां पे आपको डाटा टाइप का सारा कैपेसिटी बताएगा कि बाइट 255 है। देखिए डिसमिल पॉइंट का वैल्यू जरूरत नहीं है, बट ये प्लस माइनस आप जा सकते हैं इतने वैल्यू तक। ये बहुत सारे हैं, देखिए डाटा टाइप बहुत सारे, ये हाई लेवल पे जाएंगे, जब थोड़ा और जानेंगे इसके बारे में तब जाके आपको पता चलेगा।
अब चलिए इंटीगर जो है कितना लेता है, 32,768। लॉन्ग कितना लेता है, तो 21,25,11,000, 10,000,000, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब। अरे 2 अरब है, यानी अगर बेसिक में सीख रहे हैं तो ये लॉन्ग काफी है, इतने डाटा तक को आप स्टोर कर सकते हो, राइट। तो यहां से आपको एक पता चलेगा, चलिए अब यहां से तो कैपेसिटी पता चलेगी। दूसरी बात कि सपोज दैट, अब मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो लंबा ना हो। अब सपोज दैट मान लो कि हमने ये 56 कर दिया, हम इसको रन कर रहे हैं, ओवरफ्लो आ रहा है, तो इसका एग्जैक्ट डाटा टाइप क्या होना चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, इस वेरिएबल को डिजेबल कर दीजिए। डिजेबल कैसे करेंगे, हम एक डब सिंगल कोट अगर स्टार्टिंग में डाल देते हैं, वहां के जो भी टेक्स्ट है वो क्या हो जाता है, जो भी कोड है, सॉरी, जो भी कोड है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कोड में काउंट नहीं होता है। उसके बाद इस ऑप्शनल ऑप्शन एक्सप्लिसिट को डिजेबल कर दीजिए। अब इस कोड को रन कीजिए तो अभी कोई एरर नहीं आएगा, नहीं आया ना, इसलिए मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ी चीज है, इसके बारे में हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में फिर से बताएंगे। अब हम जानना चाहते हैं कि इसका अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना ही है तो इसका एग्जैक्ट क्या होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे गए व्यू में जाएंगे, यहाँ पे एक लोकल विंडो है, लोकल विंडो को याद कर लीजिए। अब इस कोड पे जाइए और F8 प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे नंबर आ गया और इसने क्या किया, वेरिएंट ले लिया। अब जैसे ही इसको अगर हम F8 प्रेस करेंगे और जैसे ही ये डाटा स्टोर करेगा, तो आप देखिए ये क्या कर दिया, इंटीगर में कन्वर्ट कर दिया। आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, वेरिएंट को इंटीगर में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे जाके इसको कर देंगे इंटीगर। अब इसको हम ऑप्शन एक्सप्लिसिट को भी अगर हटा देते हैं और अगर हम रन करना चाहे तो अभी कोई एरर नहीं आया, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको कर दिया 1 लाख, तो क्या अब क्या होगा, तो फिर वही ओवरफ्लो हो गया। अब इसके लिए क्या लेना चाहिए, ऑफ कोर्स देखिए नंबर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप जान गए कि इतनी इतनी वैल्यू तक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज होंगे खासकर ऑब्जेक्ट वाले में आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसको हम क्या दें। अब जैसे ये देखिए, अब हम इसको क्या कर देंगे, लॉन्ग कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। अब एक चीज और समझिए, इसको हम कर देते हैं लॉन्ग। अब इस कोड को हम रन करते हैं तो ये क्या आ रहा है, नंबर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो नीचे जो हमारा माउस है उसके नीचे एक व्हाइट में 1 लाख लिखा आ रहा है, लेकिन ये 1 लाख एग्जैक्ट नंबर की तरह दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर इसी को हम स्ट्रिंग कर दें तो क्या इस वैल्यू को स्टोर करेगा, तो यस ये स्टोर करेगा। मैंने कहा था कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिसको आप किसी में भी रख दोगे तो वो चल जाएगा। तो ये स्ट्रिंग में क्या होता है कि आप नंबर को भी स्टोर कर सकते हो और टेक्स्ट को भी स्टोर कर सकते हो, बट ध्यान रखना, अगर मान लो कि ये क्या है, आप जब मैंने माउस रखा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 लाख, लेकिन इसके दोनों साइड में आप क्या देख रहे हो, डबल कोट दिख रहा है, मतलब इसको क्या किया, क्या किया, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब आप कहेंगे कि इससे फर्क क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है कि हमने यहाँ पे कहा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने कोई नंबर दे दिया, कितना टाइम, 6 टाइम हमने नंबर दे दिया। अब हम कहते हैं कि चेक करो कि A6 में अगर 6 टाइम 8 है वो अगर बराबर हो। अब मान लो कि हमने यहाँ पे कर दिया दूसरा एग्जाम्पल, सब चेक डाटा हम यहाँ पे कर देते हैं डीम नंबर एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे करते हैं नंबर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, राइट, हमने नंबर ही डाला ना, ये नंबर ही है। अब यहाँ पे कहते हैं इफ, अभी ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इफ का भी नहीं बताना चाहिए बट मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल को समझना जरूरी है। इफ नंबर इक्वल टू sheet1.range, कितने रेंज में है ये, A6 में है, A6 हम कर देते हैं, देन मैसेज कहना है कि मैच, और नहीं तो क्या मैसेज आए, नॉट मैच, नॉट मैच। अब इसको हम रन करते हैं, ये क्या बोल रहा है, मैच हो गया, बट ये इशू आएगा, ये कभी कभी इसी कारण कभी कभी गलती होता है जब आप वेरिएबल सही से डिफाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कोई एरर अभी नहीं आ रहा है, लेकिन सम टाइम ऐसा होगा कि ये नंबर होगा और ये क्या होगा, टेक्स्ट होगा, तो ये मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं रन करूं, ओके करते हैं, तो आप F8 प्रेस कीजिए, तो यहाँ नंबर में आप देखेंगे डबल कोट में दे रहा है, जबकि ये सीट में क्या है, डबल कोट नहीं दे रहा है, 8 8 8 आ तो रहा है लेकिन डबल कोट में नहीं आ रहा है, तो ये अभी ये ट्रू बोल रहा है, ये ट्रू है, राइट। लेकिन सम टाइम हो सकता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये आपको ध्यान देना है कि इस तरह का कोई इशू आपको दिखाई दे तो आपको करना क्या है, या तो इसको भी आप इसको भी टेक्स्ट में कन्वर्ट करो या इसको भी नंबर में कन्वर्ट करो, राइट। तो हमने ये आपको बता दिया कि ये इंटीगर अगर आप इसे लिखते हो, अब यहीं पे अगर इंटीगर ले रहे हो तो ये काम कर रहा है, सॉरी ओवरफ्लो हो गया, इंटीगर नहीं लॉन्ग ले लो, अगर आप इसे रन कर रहे हो तो काम कर रहा है,
लेकिन इसमें अगर आप नाम को स्टोर करना चाहोगे ना, तो नाम स्टोर नहीं होगा, मतलब टेक्स्ट को स्टोर करना चाहोगे तो स्टोर नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि जब आप नंबर के लिए कोई डाटा वेरिएबल लेते हैं तो उसके साथ क्या करना है, आपको टेक्स्ट का यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग यूज करते हैं तो दोनों आप यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, अगर कैलकुलेशन करना हो तो स्ट्रिंग वेरिएबल में नंबर को स्टोर ना करें। अब एक आता है वेरिएंट। तो वेरिएंट का मतलब क्या होता है वो समझिए, कि वेरिएंट का मतलब है कि आप व्यू में जाओ, लोकल विंडो में जाओ, वेरिएंट का मतलब होता है कि ये कंप्यूटर अपने आप समझेगा इसका एग्जैक्ट डाटा टाइप। जैसे अभी रन किया तो अभी यहाँ क्या बता रहा है, वेरिएंट। लेकिन जैसे ही इस डाटा रिकॉर्ड करेगा तो यहाँ पे क्या बता रहा है, स्ट्रिंग, राइट। ओके, कोड रन कर गया, कोई एरर नहीं आया। और यहाँ पे अगर नंबर डाल देंगे तो भी क्या होगा, ये ऑटोमेटिक इसको इंटीगर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि वेरिएंट लेने पे आप किसी भी चीज को वेरिएंट के नाम पे उठा सकते हो। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि रिफरेंस, देखिए हमने यहाँ पे आपको बता दिया बाइट, डबल, वेरिएंट बता दिया, बुलियन के लिए ट्रू फॉल्स है वो भी हमने बताया, अभी ट्रू और फॉल्स बताया था। बुलियन के लिए हम आपको बताएंगे ट्रू फॉल्स कैसे हम करेंगे। अब ऑब्जेक्ट के लिए क्या है कि हम चाहते हैं कि इस रेंज में यहां से लेके यहां तक सारे सेल को देखे, तो हमको रिफरेंस क्या देना होगा कि A1 से लेके A3 तक, राइट। तो हम यहाँ पर करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ मुझे करना है, एक दूसरा लेते हैं, सब ऑब्जेक्ट डाटा टाइप। अब यहाँ पे हम करते हैं सेट रेंज इक्वल टू seek1.range A1 से लेके A3 तक। अब अगर हम रन करें तो ये क्या कर रहा है, वेरिएबल नॉट डिफाइंड। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा डाटा टाइप हम ले, वेरिएंट लेंगे, चलिए तो वेरिएंट लेते हैं, डीम रेंज एज ए वेरिएंट। अब इसको रन कीजिए तो अभी क्या हुआ, रन कर गया। क्यों रन कर गया, क्योंकि वेरिएंट क्या है, उसमें किसी भी तरह के डाटा टाइप को आप यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कंफ्यूजन हो, हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि इसका डाटा टाइप क्या होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वेरिएंट डाल देंगे। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे वेरिएंट डालते हैं तो क्या होगा, जैसे लिखते हैं ना आप कि रेंज A1 डॉट, ऐसे ही डॉट किए तो यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी आ गए। लेकिन जैसे ही अगर आप यहाँ पे एग्जैक्ट नेचर का वेरिएबल नहीं लेंगे, तो अगर हम यहाँ पे रेंज के साथ कुछ काम करना चाहें तो आप देखेंगे इसके प्रॉपर्टी नहीं आ रहे हैं, राइट। लेकिन अब पता कैसे करें कि ये कौन सा डाटा टाइप है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर व्यू में जाएंगे, लोकल विंडो में जाएंगे और वो चेक करेंगे। वैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी देंगे तो भी ऑब्जेक्ट भी एग्जैक्ट नेचर का डाटा टाइप नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि हाँ ये रिफरेंस के लिए लिया जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे भी आप कोड लिखोगे तो कोड नहीं आएगा। लेकिन अब एक बार पहले इसे रन करो और चेक करो कि इसका एग्जैक्ट नेचर क्या आया। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट के बाद नेचर क्या आया है, रेंज। मतलब इसका वेरिएबल अगर हम यहाँ पे रेंज बना ले तो परफेक्टली ये काम करेगा। अब आप यहाँ पे रेंज लिख के जैसे ही डॉट करोगे तो उस रेंज के जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आई होप आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो वेरिएबल डिफाइन करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो जानते हैं उनके लिए भी और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी, तो आज इस वीडियो से आप लोगों का बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ और डाउट बचे हुए हों, कल लाइव में हम आपको उसका रिजोल्यूशन देंगे एंड रेस्ट, क्योंकि वेरिएबल को इतना जल्दी खत्म नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसका एक अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।